हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो है कृषि उद्यान तथा पशुपालन विभाग में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। तो देख सकते हैं आप, विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि वो 7 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर की रात्रि 11:59 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नीचे चलते हैं, कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म देख लेते हैं। तो आप अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो, इसको एडवर्टाइज को, तो ये विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आगे विभाग की वेबसाइट के बारे में भी बता दूंगा। इसमें नीचे चलते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट इसमें जो है लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। इसमें रिक्तियां हैं जो वो है, सबसे पहला जो रिक्ति निकली है वो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के लिए निकली है। इनकी जो कुल वैकेंसी है वो 354 है, आप देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 214 है, अनुसूचित जाति के लिए 75 है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 16 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग उनके लिए 23 है। कुल 364 रिक्तियाँ हैं। और इसमें जो है या इनका वेतनमान भी देख लेते हैं, 25,500 से 81,100 रुपये तक है और यह अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और अधिमान्य अर्हता में जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल का या NCC का बी अथवा सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु की बात करें तो 21 से 43 वर्ष तक इसकी जो है आयु है। दूसरी जो वैकेंसी पद के लिए निकली है वह उद्यान प्रेक्षक वर्ग 3 है। इनकी जो वैकेंसी है टोटल 245 है, आप देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित की 130 है, अनुसूचित जाति की 47 है, अनुसूचित जनजाति की 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 34 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 24 है। टोटल जो है 245 वैकेंसी है। इसके भी देख लेते हैं, इसका वेतनमान भी 25,581,100 रुपये तक है। ये भी लेवल 4 का पद है, अंशदायी पेंशन योजना से युक्त। इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें तो BSc होना चाहिए, जीव विज्ञान BSc, कृषि BSc उद्यान के द्वारा होना चाहिए। आयु सीमा इसमें भी 21 से 43 वर्ष है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 की है। इनकी कुल जो 27 पद है, इसमें अनारक्षित की 14, अनुसूचित जाति की जो 5 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3 है। टोटल 27 वैकेंसी है। इसमें भी हम देख लेते हैं, इनका वेतनमान जो है 29,200 से 92,300, लेवल 5 की पद है ये। और यह भी जो है अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है। शैक्षिक आर्थिक की बात करते हैं तो BSc जीव विज्ञान या BSc कृषि के साथ होना चाहिए। इसके अलावा अधिमानी अर्थता की बात करें तो इसमें जो है कार्य की अपेक्षा के अनुरूप उद्यान विज्ञान में MSc कृषि या MSc वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान विकृति विज्ञान में MSc कृषि उत्तीर्ण किया हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो, या NCC जो कैडेट कोर है उसका बी अथवा सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु इनकी भी 21 से 43 वर्ष तक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2 की है। इनके कुल 8 पद हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अनारक्षित के इसमें 2 है, अनुसूचित जाति का जो है वो है 1 है, इसमें आप देख सकते हैं। टोटल जो है ये इसमें जो है टोटल जो पद है रिक्त तो वो तीन पद हैं, सॉरी, इसमें अनारक्षित के 2 हैं और अनुसूचित जाति का 1 है। इसकी जो है अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। इसमें भी 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 के अंतर्गत आती है, अंशदायी पेंशन योजना से युक्त। शैक्षिक अर्हता की बात करते हो तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BSc जीव विज्ञान या BSc कृषि होना चाहिए और अधिमानी अर्हता में MSc उद्यान विज्ञान या MSc सब्जी विज्ञान या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या NCC का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। आयु इसमें भी 21 से 43 वर्ष है। नेक्स्ट जो है वो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 है। इनकी टोटल जो वैकेंसी है वो 3 है, आप इसे इसमें अनारक्षित की 2 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है। इनकी वैकेंसी इनके जो है वेतनमान देख लेते हैं, 29,200 से 92,300, लेवल 5, अंशदायी पेंशन योजना से युक्त। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BSc कृषि विज्ञान अथवा BSc कृषि में होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता MSc उद्यान विज्ञान या MSc सब्जी विज्ञान, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा, NCC का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। आयु इसमें भी 21 से 43 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट जो पद है वो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 का है। इनकी टोटल संख्या जो है 3 है, आप देख सकते हैं। अनारक्षित की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है, टोटल 3 है। इनका भी जो है वेतनमान 29,200 से 92,300, लेवल 5 है। राष्ट्रपति अधिकारी अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है। इनकी शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc कृषि या BSc जीव विज्ञान होना चाहिए। अधिमान्य अर्थ में MSc उद्यान विज्ञान, प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव, NCC का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। आयु इनमें भी 21 से 43 साल है।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 के, इसमें 2 पद है। आप देख सकते हैं इनकी जो है शैक्षिक अर्हता हम देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता देखें तो कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ, जीव विज्ञान में एमएससी या कीट विज्ञान में एमएससी कृषि, प्रतिष्ठान में 2 साल का अनुभव, एनसीसी में बी अथवा सी प्रमाण पत्र, आयु 21 से 43 वर्ष। नेक्स्ट जो है वो चारा सहायक ग्रुप 2 है, इसमें कुल जो है 3 पद हैं, 2 अनारक्षित हैं, 1 अनुसूचित जाति का है। इनकी शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, इसमें जो है एमएससी कृषि या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ, बीएससी कृषि अधिमान्य अर्हता, प्रादेशिक में 2 साल का अनुभव, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आयु 21 से 43 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पशुपालन विभाग में जो है चारा सहायक की जो भर्ती है, इसमें कुल 3 पद है अनारक्षित, इसमें जो कुल 3 पद है आप देख सकते हैं, इसमें कुल जो है 6 पद हैं, अनारक्षित के 3 है, अनुसूचित जाति का 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 1 है, कुल 6 पद है। इनकी जो है लेवल 25,500 से 81,100 है, लेवल 4 में है, और इनमें जो इनकी शैक्षिक अर्हता बीएससी कृषि होना चाहिए, अधिमान्य अर्थात वही प्रादेशिक शहर में 2 साल का अनुभव, और एनसीसी का जो है इनके पास बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु 21 से 43 साल। तो आप देख सकते हैं, और यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो आप जो है विभाग की वेबसाइट जो है उस पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। और आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अगर है मुझे इसमें दिखाई देगा तो मैं आपको इसमें जो है ज़रूर बताऊंगा। आगे चलते हैं इसमें, और सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर जो है इनकी वैके इसमें जो है इन्होंने जो है वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट देख लेते हैं कौन सी है। ये देख सकते हैं आप psc.uk.gov.in पर जाकर जो है आप जो है इस आवेदन का जो ये एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो psc.uk.gov.in। तो 27 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट है, तो आप तब इसको ज़रूर भर लें। इसमें शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क जो है वो इसमें जो है शुल्क में सभी को जो है छूट प्रदान की गई है। आगे इसमें और देख लेते हैं, अभ्यर्थियों के लिए जो लिखित परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और इसमें देख लेते हैं कि कैसा जो पैटर्न रहने वाला है परीक्षा का। तो और आगे इसमें चलते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं इसमें, और आप बने रहे वीडियो में, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की और आईटीआई संबंधित जो वीडियोज़ हैं मैं चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो इसमें और आगे चलते हैं हम कि क्या और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखता भी कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ से संबंधित समस्त सूचना आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जो आपको मिल जाएंगी। आयोग की वेबसाइट आप देख सकते हैं www.psc.uk.gov.in है। तो लिखित परीक्षा के बारे में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें जो है रहेगा। आगे इसमें और चलते हैं कि जो पेपर जो है वो कृषि उद्यान विभाग पशुपालन विभागों के लिए जो समूह की जो परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला देख सकते हैं। इसमें कुल आपके 2 पेपर होंगे, पहला जो पेपर है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिंदी का होगा, और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अधिकतम अंक हैं, और ये 2 घंटे का होगा। इसके अलावा सेकेंड जो प्रश्न है वो वैकल्पिक होगा, यानी कि उसमें कृषि जीव विज्ञान और उद्यान से संबंधित जो है विषय होंगे, और इसमें 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का ही ये पेपर है और 3 घंटे का ये पेपर होगा। कुल टोटल जो है 300 नंबर की ये परीक्षा होगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसमें लिए और एक चीज़ और लिखता है कि अब उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर या अभ्यर्थियों द्वारा एक ही प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर देने पर जो है उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/4 अंक उस आपका काटा जाएगा। ये ध्यान रखना है, आपने नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। प्रश्न पत्र जो है सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं आप क्या क्या पूछेंगे। सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित जानकारी पूछ सकता है, भारत का इतिहास तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूछ सकता है, भारतीय राज्य व्यवस्था पूछ सकता है, भारत का भूगोलिक जनांक की समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास भी आपसे पूछ सकता है, उत्तराखंड की संस्कृति हो गई, उत्तराखंड का भूगोलिक जनांक की हो गया, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपने मैंने आपको सिलेबस जो है इसमें बता दिया है कि क्या क्या ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा सामान्य हिंदी जो है 20 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के आएंगे। सामान्य हिंदी में आपके स्वर व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव प्रत्यय, उपसर्ग समास, संधि पर्यायवाची विलोम शब्द,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह आदि जो है आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र होगा आपका, जैसे पहला एग्रीकल्चर है तो उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी आपके वैकल्पिक विषय होंगे उनसे संबंधित जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बायोलॉजी है तो इसमें देख सकते हैं बॉटनी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपने जो है देख लेना, इसमें विभाग की वेबसाइट से आप पूरे जो एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी का आपने आपने ध्यान देना है। आगे चलते हैं इसमें, और जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारा वो मैं आपको जरूर देखूंगा। जूलॉजी, जूलॉजी से संबंधित भी इसमें जो है प्रश्न पूछे जाएंगे वैकल्पिक विषय के रूप में, तो ये भी आपने इसमें ध्यान देना है। आगे इसमें देखेंगे और सेंटर कहाँ कहाँ एग्जाम के, यानी कि कहाँ उत्तराखंड में कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर सेंटर जो है होंगे। हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रश्न भी आपके वैकल्पिक विषय के रूप में इसमें पूछे जाएंगे, तो आप इनने इनकी भी तैयारी करनी है जो आपका वैकल्पिक विषय इसमें रहेगा। आगे चलते हैं इसमें, और ये कुछ जो है उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो भी इन्होंने दे रखे कि किस प्रकार से आपके जाति प्रमाण पत्र जो हैं वो होने चाहिए। प्रमाण पत्र जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं, नीचे आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इनको इस प्रकार से ही आपको बनाने हैं ये प्रमाण पत्र। आगे इसमें देखेंगे हम कि और जो है क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखित परीक्षा में जो है आपको कम से कम कितने अंक लाने हैं, और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 45% अंक जो है लाने पास के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 40, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके भी 40 हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाने हैं, इससे कम अगर आप नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो मेरिट के आधार पर नहीं होगा, यानी कि कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने ही हैं, इनसे ज़्यादा लाओगे तब आप मेरिट में बनोगे, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान देना है। सेंटर की बात करें तो आप सेंटर देख सकते हैं, अल्मोड़ा में सेंटर है, बागेश्वर है, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में आपके सेंटर है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर का चयन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप उक्त आवेदन का जो प्रारूप है या एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।